नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो ईपीएफओ एसएससी 2023 वाले जो एस्पिरेंट जो टाइपिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जब से टाइपिंग के इंस्ट्रक्शंस आए हैं, जैसा कि आपको पता है कि टाइपिंग की डेट भी आ चुकी है और एनटीए ने टाइपिंग के जो इंस्ट्रक्शंस हैं किस तरीके से टाइपिंग होगा वो आउट किए हैं, तब से ढेर सारे स्टूडेंट के बीच में तमाम तरीके के डाउट हैं। तो आज के इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जितने भी डाउट हैं आपके दिमाग में उन सब का आंसर आपको मिलने वाला है। जैसे कि कुछ डाउट यहाँ पे मैंने लिखे हैं, उसके अलावा ढेर सारे डाउट यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे कि कितने परसेंट छूट आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसमें मेंशन नहीं किया है कि कितने परसेंट की छूट मिलेगी। तो इसके बारे में बात करेंगे कि छूट मिलेगी आपको या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कितने परसेंट की छूट मिल सकती है। उसके अलावा आपको कितने की स्ट्रोक मिनिमम टाइप करने होंगे अगर आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना है। उसके अलावा ये भी डाउट है कि 1750 का कंटेंट मिलेगा या 1750 से ज़्यादा भी की स्ट्रोक आपके आ सकते हैं। उसके अलावा ये भी डाउट है कि क्या बैक स्पेस फुल बैक स्पेस काम करेगा, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में ये भी डाउट है, तो इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा कंटेंट 1750 से ज़्यादा होगा या मतलब आपका 1750 एग्जैक्ट होगा। उसके अलावा मिनिमम कितने स्टॉक आपको सही होने चाहिए, इसके अलावा ढेर सारे जो डाउट हैं आपके दिमाग में उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो इसके रिगार्डिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो टाइम इन चीज़ों में खराब मत करिए। अपना जो फोकस है वो अपनी टाइपिंग पे करिए, क्योंकि टाइपिंग अगर आपने क्वालिफाई कर ली तो आपका समझो सिलेक्शन हो गया, क्योंकि ढेर सारे बच्चे यहाँ पे टाइपिंग में डिसक्वालीफाई होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैं पूरा आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के लिए मैंने एक वीडियो डाल दी है, तो उसमें मैंने सारा कुछ बताया। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर हम बात करेंगे, जैसे कि इंस्ट्रक्शन नंबर 5-6 जो पॉइंट नंबर 5 है 6 है 7 और 8 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो पॉइंट नंबर आपका 11 है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 16 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और पॉइंट नंबर 17 और 18 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि जो आपकी टाइपिंग होगी वो स्क्रीन टू स्क्रीन होगी। जो आपकी टाइपिंग होगी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लॉक काउंटर ऑफ एवरी कैंडिडेट, और मैं समझाऊंगा अभी किस तरीके से आपका होगा। कंप्यूटर क्लॉक काउंटर ऑफ एवरी कैंडिडेट विल बी सेट एट द सर्वर, द काउंट डाउन टाइमर ऑन द टॉप ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्ले द टाइम रिमेनिंग अवेलेबल इन मिनट्स अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट टू कंप्यूटर टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन। यानी कि आपका जो टाइपिंग होगा वो स्क्रीन टू स्क्रीन होगा, जो टाइमर होगा वो आपका टॉप पे शो होगा, ठीक है। उसके अलावा वो टाइमर आपका चलता रहेगा, मतलब उसमें जैसे आपके टाइम जो है जिस तरीके से आपका यूज़ होता जाएगा उस तरीके से आपका टाइम जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो टाइपिंग होगी वो स्क्रीन टू स्क्रीन होगी। किस तरीके से होगी, अ पैसेज इन इंग्लिश हिंदी विल बी डिस्प्लेड ऑन द अपर हाफ ऑफ पोर्शन ऑफ द स्क्रीन, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू टाइप द पैसेज ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट इन द बॉटम हाफ पोर्शन ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, इन ऑर्डर टू व्यू द होल पैसेज कैंडिडेट नीड टू स्क्रॉल डाउन विद द हेल्प ऑफ माउस। अब इन दोनों पॉइंट का आपको मैं डेमो दिखाने वाला हूँ किस तरीके से होगा। यहाँ पे क्या है कि आपका जो टाइपिंग होगा वो स्क्रीन टू स्क्रीन होगा, कहने का मतलब है कि इस तरीके से आपका अपर हाफ में इस तरीके से कंटेंट होगा, यहाँ पे कंटेंट आपको टाइप करना होगा और कंटेंट पूरा आपको शो नहीं होगा। 1750 की स्ट्रोक अगर आएंगे तो ये आप मान के चलो कम से कम आपको जो कंटेंट है वो 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, जिस तरीके से CHSL CGL का टाइपिंग होता है सेम वैसा ही पैटर्न यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से आपका माउस जो है आप ले जा सकते हो और उसको देख के आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलती होगी वो इस चीज़ की होगी कि आप कहाँ पे हो, इसको आपको पहली निगाह से देखना है और फिर अपना आराम से उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा इस तरीके से यहाँ पे जो टाइमर है वो आपका शो होगा। अब मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, हमने जो आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाया है बिल्कुल EPFO के पैटर्न पर है। इस तरीके से आपका यहाँ पे फोटो शो होगा, इस तरीके से ऊपर जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि काउंटडाउन आपका यहाँ पे शो होगा आपको कि कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, हाफ जो पोर्शन है उसमें आपका कंटेंट होगा इस तरीके से यहाँ पर भी दिया हुआ है। उसके अलावा जो फॉन्ट साइज होगा वो भी इतना ही होगा जितना यहाँ पे हमने लिया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको टाइप करना होगा, इस तरीके से आपका स्क्रॉल वाला ऑप्शन होगा, यहाँ से जो है आप स्क्रॉल कर सकते हैं माउस की हेल्प से, और कम 3 बार आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा,
यानी कि मैक्स से मैक्स आपको 4 से 5 लाइनें ही यहाँ पे सोंगी। तो यहाँ पे ये जो टाइपिंग आपका होगा वो बिल्कुल CHSL CGL मतलब CHSL के पैटर्न पर होगा। आपका 10 मिनट का टाइपिंग होगा, इसमें आपको 1750 की स्ट्रोक टाइप करने होंगे। अभी हम इस क्वेश्चन पे भी आएंगे कि 1750 ही कर रहे हैं या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं या कितने आएंगे, इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने सारे के सारे आपको इस सॉफ्टवेयर में, एक तो इसका जो हमने इंटरफेस दिया वो बिल्कुल ऐसा है जैसा आपका इंटरफेस आपको मिलेगा EPFO में, बिल्कुल CHSL के पैटर्न पर होगा। उसके अलावा यहाँ पे हमने आपको 250 एक्चुअल पैसेज दिए हैं जो CHSL CGL एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कि CHSL CGL के जो प्रीवियस पैसेज हैं वो यहाँ पे हमने डाले हैं। तो सिर्फ लास्ट टाइम पे, आपका टाइपिंग 19 तारीख को है, तो इतना जो टाइम बचा हुआ आपके पास, इसमें अगर आप इन 250 पैसेज को कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। और अब आपके पास कोई काम नहीं है, रात दिन आप टाइपिंग की ही प्रैक्टिस करो। उसके अलावा आप सभी के लिए ऑफर चल रहा है, अब ये जो 250 पैसेज है केवल और केवल 99 रुपीज में आप परचेज कर सकते हैं, यानी कि एक पैसेज की जो कॉस्ट है वो 40 पैसे से भी कम पड़ने वाली। उसके अलावा एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुरंत आप परचेज कर लो, पहले आप डेमो लो और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हो तो यहां पे इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो डेमो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो ले सकते हैं और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो लास्ट टाइम पे अगर ये 250 पैसेज आप कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। इंटरफेस बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आपका टाइमर शो होगा, इस तरीके से हाफ पोर्शन में आपका कंटेंट होगा, यहां पे आपको टाइप करना होगा, इस तरीके से स्क्रॉल बार होगा, यहां से माउस की हेल्प से आप स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा यहां पे पॉइंट नंबर कौन कौन सा आपका मेंशन हो चुका है, यहां पे हमने इसको भी मेंशन कर लिया कि पांचवा पॉइंट क्या कहता है, छठा पॉइंट क्या कहता है, जो सातवां और आठवां पॉइंट है ये आपका बैक स्पेस का जो आपका कंफ्यूजन है ये क्लियर करता है। कुछ जो टीचर हैं या कहीं से भी ये न्यूज फैल रही है कि बैक स्पेस फुल बैक स्पेस काउंट होगा, मतलब अगर आपने एक बार बैक स्पेस दबाया तो पूरा जो वर्ड है वो आपका गायब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, आप पढ़ो इसको ध्यान से। कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू मेक करेक्शन इन द वर्ड्स टाइप्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। अब आप खुद बताओ कि ये कह रहा है कि आप किसी भी टाइम पे करेक्शन कर सकते हो, तो करेक्शंस की पॉसिबिलिटी तभी होगी जब बैक स्पेस यूजली जिस तरीके से काम करता है वैसे ही काम करेगा, तभी आप करेक्शन कर सकते हो, अदरवाइज आपका पूरा वर्ड ही गायब हो जाएगा। तो करेक्शन का मतलब ये, अगर ये कह रहा है कि करेक्शन आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो, कहीं पे भी माउस ले जाके करेक्ट कर सकते हो किसी भी वर्ड को, जैसे कि डिस्प्ले यहाँ पे पी आपने डबल अगर टाइप कर दिया तो यहाँ पे माउस ले जाकर के आप पी को जो है इंप्रूव कर सकते हो, इसका मतलब है फुल स्पेस काम नहीं करेगा, जिस तरीके से स्पेस काउंट करता है नॉर्मली वैसे ही काउंट करेगा और इस सॉफ्टवेयर में भी वैसे ही आपका काउंट कर रहा है, ठीक है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, फुल बैक स्पेस जो है वो काम नहीं करेगा, जिस तरीके से काम करता है वैसे ही काम करेगा, यानी कि इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 पढ़ो, कैंडिडेट हैज द ऑप्शन टू प्रेस बैक स्पेस की, हाउएवर द टाइमर विल काउंट द टाइम इलेप्स्ड यूजिंग बैक स्पेस की, यानी कि आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हो लेकिन टाइमर चलता रहेगा। तो ये हर सॉफ्टवेयर में होता है, यहाँ पर भी ये सॉफ्टवेयर जो है इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। उसके अलावा द कंप्यूटर, यहाँ पे नॉर्मली बातें लिखी हुई हैं कि आपको ID पासवर्ड मिलेगा, उससे आपको लॉगिन वगैरह करना है, ठीक है, ये आपके काम की बात नहीं, इसे आप पढ़ सकते हो नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस के लिए जो है वो आपका प्रैक्टिस जो टेस्ट है वो मिलेगा, उसमें प्रैक्टिस टेस्ट में आपको प्रैक्टिस नहीं करनी, वहाँ पे आपको ये चेक करना है कि आपका जो कीबोर्ड वगैरह है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे उस क्वेश्चन पे आते हैं कि एरर कितना काउंट होगा, मतलब एरर जो है वो कितना अलाउड है और कितना आपको कंटेंट मिलेगा, कितना आपको मिनिमम जो है वो टाइप कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट नंबर जो ये वाला 16 वाला पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुट सिंगल स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे सिंगल जो स्पेस है वो आपका जो है आपको रखना है, अगर आपने डबल स्पेस कर दिया तो वो भी एज ए एरर ही काउंट होगा। तो इस सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही है, यानी कि आपको सिंगल स्पेस ही दबाना है, SSC भी इसी तरीके से लेती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो सबसे तकलीफ यहाँ पे क्या की इन्होंने, सबसे जो कठिन बनाया है वो ये बनाया है कि यहाँ पे इन्होंने हाफ मिस्टेक को लिया ही नहीं है, जितनी भी मिस्टेक है यानी कि हाफ मिस्टेक को भी ये लोग जो है वो एज ए फुल मिस्टेक काउंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बस आपको यहाँ पे थोड़ी मुश्किल ये आएगी कि जहाँ पे आपको ज़्यादा की स्ट्रोक का बेनिफिट मिलता है वहाँ पे उतने की स्ट्रोक का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि गलती करने की गुंजाइश
कम से कम आपको करनी है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो हाफ मिस्टेक का यहाँ पे कोई पंगा नहीं है, जो मिस्टेक है वो आपकी फुल मिस्टेक में ही काउंट होंगी, बस ये यही कह रहा है, और यहीं पे यहाँ पे आपकी दिक्कत है, बस इतना ही आपको समझना है। लेफ्ट आउट वर्ड्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक, यानी कि अगर आप कोई भी वर्ड छोड़ देते हो या स्पेलिंग छोड़ देते हो तो वो भी एज ए फुल मिस्टेक ही आपका काउंट होगा। एंड एरर इन पैराग्राफ एंड पंक्चुएशन शैल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक, यानी कि कोई भी एरर या आपका पंक्चुएशन, जैसे कि आपका कोई भी पंक्चुएशन, जैसे कोई भी साइन है वो अगर आप भूल जाते हो तो उसके भी आपकी जो फुल मिस्टेक है वो काउंट होगी। टाइपिंग ऑफ लेटर वर्ड्स करेक्टर सिंबल और एनी अदर देन द कंटेंट ऑफ द पैसेज, यानी कि पैसेज में जो कंटेंट दिया है उसके इतर आप कुछ भी टाइप करते हो तो वो भी एज ए फुल मिस्टेक ही काउंट होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके मतलब आपके काम की चीज़ क्या है कि यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्ट कर दिया है कि ये हाफ मिस्टेक नहीं कर रहे, ये फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक को भी ऐसे फुल मिस्टेक ही काउंट करें, यानी कि आपको गलती जो है वो कम से कम करनी, बस इस बात पे फोकस करना। अभी मैं बताऊंगा कितने परसेंट गलती आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप टू बी काउंटेड टोटल स्ट्रोक, यानी कि नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप टू बी काउंटेड टोटल स्ट्रोक टाइप्ड डिवाइडेड बाई 5, यानी कि जो आपके वर्ड हैं वो किस तरीके से काउंट होंगे, जितने भी आपने स्ट्रोक किए हैं उनको 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा, ये 5 स्ट्रोक को एक वर्ड के रूप में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जितने आपने की स्ट्रोक सही टाइप किए हैं उनको 5 से डिवाइड कर देंगे, उतने ही आपके सही वर्ड जो हैं वो टाइप हैं। और टाइपिंग की स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइपिंग स्पीड टू बी काउंटेड नंबर ऑफ करेक्ट वर्ड्स टाइप डिवाइडेड बाई 10, यानी कि उनको 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा और इस तरीके से वो काउंट होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देता हूँ कि 1750 का कंटेंट होगा या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, या आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है या नहीं है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि 10,500 आपको की स्ट्रोक करने हैं एक घंटे में, दैट मीन अगर इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो 1750 की स्ट्रोक आते हैं आपके 10 मिनट में। SSC में भी आपको 1750 की स्ट्रोक करने पड़ते हैं, लेकिन आपको जो कंटेंट होता है वो 18, पहले क्या होता था 2018 से पहले SSC जो है वो आपको 2100 तक की स्ट्रोक देती थी, लेकिन आपके लिए 1750 या मैक्स से मैक्स 1800 की स्ट्रोक आपको करने होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैक्स से मैक्स 1800 दे सकते हैं, आपको भी फोकस जो है वो मैक्स टू मैक्स 1800 पे करना है, बाकी आप 1750 एग्जैक्ट देख नहीं सकते कि 1750 कब होंगे, ठीक है। तो आपको पूरा जो फोकस है वो इस पे करना है कि कंटेंट आपका टाइप हो जाए, और ये जो है मैक्स से मैक्स आपको 1800 का ही कंटेंट देंगे। वैसे मोस्टली अगर रूल ये कहता है कि 10,500 अगर दिए कह रहा है ये एक घंटे में, तो आपको 1750 का ही कंटेंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा ज़्यादा आपको 1800 तक का कंटेंट मिल सकता है, यानी कि आप इतना ही टाइप करो, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप करेक्शन कर सकते हो, बाकी पूरा कंटेंट आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट ये भी गलती मत करना कि कंटेंट जल्दी टाइप हो गया तो उसको ऊपर से फिर दोबारा टाइप करने लगे, ऐसी भी आपको गलती नहीं करनी, इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपके अगर 1750 या 1800 की स्ट्रोक हो जाते हैं तो उसके बाद देख लो अपनी करेक्शन वगैरह कर सकते हो, करेक्शन यहाँ पे अलाउड है। तो इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया होगा। अब यहाँ पे लोग एरर कैसे काउंट करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। देखो यहाँ पे एरर कितनी अलाउ होगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कितने परसेंट जो एरर है वो अलाउड होगी। देखो इन्होंने स्टेनो की जो टाइप मतलब स्किल टेस्ट है उसके नोटिफिकेशन में बोला है कि 5% और 7% की छूट मिलेगी। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको 5 या 7% की छूट मिलेगी, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि 3% की तो छूट मिलेगी मिलेगी, ये 3 से 5 के बीच में भी हो सकती है। यूआर वाले बच्चे हैं उनको 3% और जो अदर कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको जो है वो 5% की छूट दें, बाकी आप ये मान के चलो कि 3% की तो छूट मिलेगी, क्योंकि NTA ने जो इग्नू का एग्जाम कराया था उसमें दिया हुआ है कि 3% की आपको छूट मिलेगी, यानी कि 97% की आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने जो अपना नोटिस निकाला है इसमें इन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि कितने परसेंट की छूट देंगे, लेकिन ये बात क्लियर है कि यहाँ पे आपको छूट मिलेगी। आप ये मान के चलो कि 3% की छूट अलाउड है, यानी कि 97% की आपको एक्यूरेसी चाहिए, अगर ज़्यादा मिल जाता है तो आपके लिए सो फार सो गुड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से आपका जो है कितने स्ट्रोक जो है आपको मिनिमम करने हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब आप जो है कितनी कम से कम जो है आप गलती कर सकते हो उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि 1750 की स्ट्रोक बेस आपका यही है, 1750 की स्ट्रोक ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये 1750 की स्ट्रोक आपको करना है 10 मिनट में। अगर 1750 की स्ट्रोक में यहाँ पे 3% की छूट देता है आपको, ठीक है, तो 17 51 यानी कि आपका 52.5
5 की स्ट्रोक बनता है। अगर हम इसको बर्ड में चेंज करें तो 5 से डिवाइड करें, क्योंकि हर 5 स्ट्रोक को एक बर्ड के रूप में काउंट कर रहा है, यानी कि 5×5 न जाने का 0, 5×25 यानी कि 10.5 बर्ड्स आपके बनते हैं, यानी कि इतने बर्ड्स की आप गलती कर सकते हो। अब किस तरीके से जो कंटेंट होगा उसमें कितने वर्ड होंगे, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो आपका कितना आएगा, 5×15, 5×25 यानी कि 10 मिनट में जो आपको वर्ड्स टाइप करने हैं वो 350 वर्ड टाइप करने हैं, 350 वर्ड टाइप करने हैं, इसमें 10 वर्ड की आप गलती कर सकते हो, यानी कि अगर आपके 340 वर्ड भी करेक्ट हैं तो आपकी कोई दिक्कत आपको नहीं है। और यहाँ से आप देख सकते हो 10 मिनट में अगर 350 वर्ड आपको करने, यानी कि 10 से 1 मिनट में कितने वर्ड आते हैं, 35 वर्ड, इसीलिए 35 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड आएगी। और यहाँ पर अगर आपको छूट यहाँ पे जो अलाउ है उससे आपके 10 जो वर्ड्स हैं वो आपके हट जाते हैं, यानी कि 34 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी ही चाहिए, यानी कि 10 मिनट का जो है, 10 वर्ड्स का जो है गलती आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो फोकस करना है, अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ज़्यादा फोकस करो एक्यूरेसी पे, और आपको ऑफलाइन भी जो है जब आपको टाइम मिले तो ए से लेकर के जेड तक अल्फ़ाबेट की आप प्रैक्टिस करो, जो बेसिक को कीज़ हैं आपकी होम रो, मिडिल रो, अपर रो, इनकी भी प्रैक्टिस करो, तो आपको एरर का भी जो पंगा है वो समझ में आ गया होगा। 1750 की स्ट्रोक का मतलब ये हुआ कि 10 मिनट में अगर आपको 1750 की स्ट्रोक करने हैं तो इसे अगर हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करें, क्योंकि 5 की स्ट्रोक को एक वर्ड के रूप में काउंट कर रहे हैं, यानी कि 10 मिनट में आपको 350 की जो वर्ड है वो टाइप करने हैं, उसमें आपको 10 वर्ड की छूट मिल जाएगी, यानी कि 340 वर्ड आपके करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब ये छूट अगर ज़्यादा देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप 3% मान के चलो, ठीक है, ज़्यादा मिलेगी तो आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, और अगर हम इसे कीस्टोक में देखें, देखो यहाँ पे 3% की छूट का मतलब 1751 यानी कि 52.5 कीस्टोक बने, उसे हमने 5 से डिवाइड कर लिया, यानी कि 10.5 बर्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, यानी कि एग्जैक्ट आपकी कितनी स्पीड होनी चाहिए, 34 की स्पीड तो चाहिए चाहिए आपको, लेकिन 34 की स्पीड से काम नहीं होगा, आप कम से कम 40 की स्पीड लेके जाओ, तब आपका कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं हो पाएंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और ज़्यादा ज़्यादा आपको फोकस क्या करना है, जैसे कि ये जो सॉफ्टवेयर है इस पर आप जो है 4 टाइम शेड्यूल बना लो, और आधा एक घंटा, आधा घंटे के स्लॉट बनाओ कि आधा घंटा आपको मॉर्निंग में करना है, फिर दोपहर में करना है, फिर शाम को करना है, फिर आपको रात में करना है। ठीक है, उसके अलावा आप ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करो, ऑफलाइन से भी आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। उसके अलावा जब भी आपको टाइम मिले तो कीबोर्ड पे ए से लेकर के जेड तक अल्फ़ाबेट की आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो अगर ये सब काम करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आपका टाइपिंग क्वालिफाई होगा। उसके अलावा हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, बिल्कुल EPFO के पैटर्न पर। उसके अलावा हम यहाँ पे जो 250 पैसे आपको दे रहे हैं, सिर्फ इन्हीं पैसे को प्रैक्टिस कर लो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। अब आपके लिए ऑफर चल रहा है, केवल 99 रुपये में ये 250 पैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। एक दिन का डेमो जो है बिल्कुल फ्री है, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हो, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं, और अपना जो अगर आपको डेमो अच्छा लगता है तो अपना ये जो बेस्ट ऑफर आपके लिए चल रहा है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आपके डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिल पाया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट में आप करिए, और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये कि आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, कम्प्लीटली आपकी हेल्प की जाएगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट मोस्टली क्लियर हो गए होंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।